अस्पताल में बने सरकारी आवास में नोएडा विकास प्राधिकरण की मनमानी। अस्पताल कर्मचारी के आवास प्रशासनिक अधिकारियों को किए आवंटित, यूपी सरकार ने दिए जांच के आदेश। बाराबंकी में रेलवे स्टेशन के पास हंगामा करने वाले कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई, लखनऊ आईजी ने सस्पेंड किया, शराब के नशे में किया था हंगामा। तमिलनाडु ट्रेन लूट मामले की जांच रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से लेकर सीबीसीआईडी को सौंपी गई, लुटेरे 5 करोड़ रुपए लेकर हुए थे फरार। बीएसपी में 4 नए चेहरे शामिल, कांग्रेस के 3 और एसपी के 1 विधायक ने थामा दामन, बीजेपी नेता अवधेश वर्मा भी हाथी पर सवार। यूपी में अलग अलग हादसों में 5 छात्रों की मौत, बरेली में रोडवेज बस ने 3 छात्रों को रौंदा, 2 की मौत, इलाहाबाद में भी 3 छात्रों की मौत। वेतन दोगुना करने और सांसद निधि कोष बढ़ाने के लिए सांसदों ने पीएम को सौंपा ज्ञापन, सैलरी बढ़ाने की मांग पर पीएम ने सांसदों को खर्च कम करने की दी सलाह।